श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, और आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब एक परिवार की तरह हम साथ जुड़े हैं। बहुत कुछ आपके मन की जो बातें हैं वो हम तक पहुंची हैं, और हमारा भी प्रयास है कि जो कुछ यहाँ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आप अपने जीवन में उतार पाएं। आप ही क्यों, हम भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए ये सिलसिला चलता जा रहा है। इनफैक्ट इट्स अ बिगेस्ट रियलिटी शो, जहाँ पर हम अध्यात्म को समझ रहे हैं, उसे जीवन में उतार रहे हैं, और फिर प्राप्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं। इस सफ़र में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमें साथ मिला हुआ है एक ऐसी विभूति का जिन्होंने इस पूरे अनुभव को अपने जीवन में जिया है, इस विद्या को, अध्यात्म के हर विधा को आत्मसात करने का प्रयास किया और आप तक बांटने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कनु प्रिया जी, दोस्तों, जय माता दी, नमस्कार। सच में दोस्तों, साधना का मार्ग सच्चा मार्ग है, और कनु प्रिया सदा आपके सवाल लेके आती हैं, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो आपकी ही बात कर रही हैं, वो कभी लगता है कि वो मेरी बात कर रही हैं, पर आपको कुछ दे पाए जे मंच, ऐसा ही एक छोटा सा प्रयास है। इसी प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं मैं और कनुप्रिया। स्वामी जी, बहुत से ईमेल्स भी हमारे पास आए हैं, आज हम उनके साथ भी शेयर करते हैं। ये पूछना चाहते हैं कि ब्लैक मैजिक क्या होता है। कहते हैं मैं इतना सब कुछ सुनता हूँ और बहुत डर लगता है मुझे, इस बारे में इतना सुना है, और हम कैसे इसे स्टडी कर सकते हैं? क्या कोई ख़ास व्यक्ति हैं जो ब्लैक मैजिक को स्टडी कर सकते हैं, और ब्लैक मैजिक क्या बहुत इफ़ेक्टिव है, इसके बारे में हमें बताएं, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? दोस्तों, इतने दिनों से हम यही बता रहे हैं कि तंत्र का जो नेगेटिव पहलू है, नकारात्मक पहलू है, उसको ही लोगों ने ब्लैक मैजिक का नाम दे दिया। किसी ने ऐसा सोच लीजिए कि तंत्र एक मैजिक की तरह कि चमत्कार करता है, हो जाते हैं, आपका भला करता है, तो मैजिक ना रह करके ब्लैक हो गया जब आपका बुरा करने लगा, जब आपका नुकसान करने लगा। कोई कहीं इसको मैली विद्या भी कहते हैं, कहीं जादू टोना भी कहते हैं, कहीं तंत्र मंत्र का प्रभाव भी कहते हैं, पर ऐसा ही सोचिए कि जे किसी भी अच्छी शक्तियों का खराब प्रयोग करना, बुरा प्रयोग करना, ब्लैक मैजिक कहलाता है। ब्लैक मैजिक सीखने की बात मत करना, सीखना ही मत, कोई सिखाएगा भी नहीं, और ये पाप है सोचना भी, पर मैजिक सीखना, तंत्र सीखना, उससे आप बहुत भला कर पाओगे लोगों का। अगर आपके मन में कोई ये प्रश्न है ऐसी विद्या सीखने का, साधना सीखने का, तो स्पिरिचुअल विद्या आपके साथ है, आपकी मदद के लिए तैयार है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ब्लैक मैजिक जैसा नाम ही कहता है, काला जादू, उससे अपने आप को बचाए रखने, कहीं ना कहीं ये फोर्सेस हमें अट्रैक्ट करती हैं। अगर इनकी भी बात करें, युवा वर्ग, युवा जो पीढ़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं बड़ा आकर्षित करती है कि ये ब्लैक मैजिक क्या है, क्या होता है इसमें। स्वामी जी, ये जो आकर्षण है, इसे कैसे अपने आप को रोकें, और पॉजिटिविटी की तरफ जाने का प्रयास कैसे करें?
बेटे, जब तक हमारी जिज्ञासा शांत नहीं होगी हम नहीं रोक पाएंगे। तंत्र रोकने की बात नहीं करता, तंत्र जानने की बात करता है। तो दोस्तों, एक बार इस विद्या के बारे में जरूर अध्ययन करें। इसके लिए जो मूल ग्रंथ हैं हमारे, उनका जरूर अध्ययन करें। जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें, और उसमें भी कुछ राइटर्स ने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। और साथ में जैसे हमने बहुत लगभग पिछले 5-7-10 वीक से ऐसी ही बात कर रहे हैं तंत्र की, उस प्रोग्राम को भी देखने की कोशिश करें, तो उससे आपको बहुत सी गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएंगी। तो फिर आप एक अपना मकसद निश्चित कर लें कि आपको क्या करना है। आपको पूरा सोचेंगे तो इतना बड़ा है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको हम 10 साल तक पढ़ ही नहीं पाएंगे, करना दूर की बात है। इसलिए थोड़ा सा जो आप सीखना चाहते हैं उसको शुरू कर दें, साथ साथ पढ़ते रहें ज्ञान के लिए, तो आप अपने मार्ग में निकल जाएंगे आगे। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी आपने बात कही स्वामी जी, क्योंकि हम जो स्पिरिचुअल विद्या जी प्रोग्राम जो है उसका मकसद ही ये है कि तंत्र, चाहे हम उसे कोई भी एस्पेक्ट ले लें, अगर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट लेते हैं तो ब्लैक मैजिक, अदरवाइज पॉजिटिविटी और प्योरिटी का एहसास, कि परमात्मा के साथ जुड़ने का वो एहसास इस रास्ते पर चलते हुए हमें मिल जाता है। एक बात जो एक सवाल है ये मैं इनका लेना चाहती हूँ। ये कहती हैं कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ, मैं बहुत इनसिक्योर फील करती हूँ, मुझे लगता है कि सारे लोग मेरे खिलाफ़ हैं, और जितने भी मैं डॉक्टर्स के पास अभी तक गई हूँ, जितने भी साइकेट्रिस्ट के पास, सब ने स्ट्रेस कहकर मुझे वापस भेज दिया है। कई उन्हें दवाइयाँ भी दी जिन्हें मैंने एक तरफ रख दी, लेकिन मेरे मन से ये डर, ये भय और ये जो अपने प्रति भी वितर्षणा है अल्टीमेटली, वो निकल नहीं पा रही है। तो क्या ये कोई जादू मुझ पर किया गया हो सकता है, या मैं सचमुच में डिप्रेशन या स्ट्रेस में? ये भी एक बड़ा अजीब सा एक कॉम्बिनेशन हो जाता है कि क्या ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या कहीं कुछ बाहरी जो ऊर्जा है उसका प्रभाव है। जब कभी मेडिसिन का इफेक्ट ना हो, जहाँ कोई डायग्नोज ना हो पाए, तो तब भी हम ऐसा समझने लगते हैं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि नुप्रिया के व्यक्ति दवाई खाने से भी ठीक नहीं होता और बिना दवाई के भी ठीक होने लगता है, तो ऐसा प्रभाव जरूर होता है। वो डॉक्टर डिप्रेशन कह देते हैं, मन की बात कह देते हैं, उनकी बात भी सच है, क्योंकि तंत्र मंत्र भी मन को ही प्रभावित करता है। तंत्र मंत्र से भी हमारा मन कमज़ोर होने लगता है, जैसे मन कमज़ोर होता है तैसे तैसे शरीर को भी कमज़ोर करता है। जैसे तंत्र का सीधा प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर होता है, अच्छा प्रभाव भी आज्ञा चक्र ग्रहण करता है, बुरा प्रभाव भी आज्ञा चक्र के ऊपर होता है। इसी को दोस्तों सहस्त्र दल कमल भी कहते हैं। तो जो ऐसा कमल है हजारों पंखड़ियों वाला, जिसमें सब कुछ संभव है, आप कुछ भी कर सकते हो। जो कमज़ोर हो गया तो बहुत कुछ नेगेटिव भी ले सकते हो। तो मुझे लगता है इसमें इनको ऐसी ही कोई तकलीफ है, इसी का इनको इलाज करना चाहिए, इसी से इनकी स्थिति ठीक हो पाएगी। तो इनके लिए कोई आसान सी आप क्रिया बता पाएंगे जो आज्ञा चक्र को स्ट्रॉन्ग करे? पता नहीं किस स्टेज में चली गई हैं वो, कैसी स्थिति है, फिर भी इनको घी का दीपक जला करके, तेल का दीपक जला करके, गुलाब के फूल रख करके, माँ बगलामुखी जी की साधना बेटे कर सकते हैं आप। माँ बगलामुखी जी की साधना से बहुत लाभ होगा। माँ बगलामुखी जी का एक ब्रह्म स्तर पर योग आता है, तो माँ बगलामुखी जी के मंत्र के साथ उस ब्रह्मस्त्र का प्रयोग करके तो उसका जल पिलाएं इनको, और साथ में माँ बगलामुखी जी का यंत्र रखें, उससे बहुत जल्दी ठीक होंगी। पर इनको सुबह शाम माँ के चरणों में बिठाएं, और जब तक बाकी साधन आपको नहीं मिलते तो माँ बगलामुखी जी का मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे शब्द आता है ओम ह्रीम बगलामुखी, अगर कोई दूसरे करते हैं तो इन बहन का नाम लेके करें, कि जैसे कन्नूप्रिया सर्वदुष्टा नाम। अगर आप करते हैं, आप स्वयं करते हैं, तो आप करेंगे ओम हलरीम बगलामुखी मम सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम जिभाम किले बुद्धि विनाशाय हलरीम ओम स्वाहा।
इस मंत्र का जाप पीला वस्त्र सर के ऊपर ओढ़ के करें, इससे आपको लाभ होगा। कहीं कहीं कुछ लोगों के ऐसे भी कन्नुप्रिय सवाल आए, जब मिले उसी शब्द को नॉर्थ वाला बोलेगा थोड़ा सा फर्क होगा, साउथ वाला बोलेगा उसका थोड़ा फर्क होगा, उत्तर प्रदेश वाला बोलेगा फर्क होगा, गुजरात वाला बोलेगा फर्क होगा, अमेरिकन बोलेगा फर्क होगा, यूके का बोलेगा फर्क होगा। तो इसकी चिंता में मत पड़ना, आप मन से करें और एक बार शब्दों को समझ करके जाप करें। बस एक ध्यान रखना, शब्दों को खाइएगा मत, किसी शब्द को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये शब्दों की ही वाइब्रेशन है जो आपको ठीक करेगी। जब आप शब्दों को बोल देंगे, जैसे मुंह बंद करके बोलेंगे, तो एक चक्कर सा, एक वाइब्रेशन सी, एक वेव सी आपके अंदर घूमेंगी, वो ही आपको ठीक करेंगी। इसलिए कोशिश करना कि किसी शब्द को मत खाना, आराम से प्यार से करना। इसीलिए मैंने आपको कनुप्रिया देखा होगा कि मैं माला की बात बहुत कम करता हूँ। मैं कहता हूँ 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, जब बैठना ही आधा घंटा तो आपसे प्यार से प्रेम से बात करूँ, प्रेम से मंत्र का जाप करूँ। अगर तब भी आप जल्दी कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ और कमी है। जो आपको कड़े संघर्ष के बाद भी नहीं मिलता है, कोई उसे चुटकियों में पा लेता है। कौन सा न्यूज़पेपर है? दैनिक भास्कर। कहीं इसका संबंध आपके पिछले जन्म से तो नहीं है? कौन सा साल लिखा हुआ है वहां पर देखिए? 1965। यहाँ सुलझ सकती है आपकी उलझन। किस तरह से आपकी मौत होती है? कौन जाने, आपके साथ भी जुड़ा हो कोई राज पिछले जन्म का, सिर्फ इमेजिन पर। इज ब्रॉट टू यू बाय होप मेडिकल इंस्टीट्यूट। I love you. Imagine Blockbuster Gajni. Sirf Imagine Par. Is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. In association with Citibank NRI Business. India में पहली बार reality show के नजर से होगी Mrs. India की तलाश। शादीशुदा हसीनाएं खेलेंगी सूरत और सीरत की बाजी। 7 हफ्तों की धुआंधार जंग। एक शानदार खिताब। Glad Rags Mrs. India 2010. सिर्फ Imagine पर। Is brought to you by Citibank NRI Business. Imagine a regular guy from Toronto who comes to India to start his own business. Now imagine that this guy's life takes a little detour and he ends up on a reality TV show in Mumbai. Now imagine that he wins the show, he gets the girl, and they have kids. On another reality show, of course. Now, this regular Joe from Canada is known by over 1 billion people. Kind of hard to imagine, isn't it? Well, for me, it's even harder to imagine that it's all true. I guess everything is possible on Imagine. मुझे एक सवाल और हम लेना चाहेंगे यहाँ पर। इन्होंने कहा है कि जब हम साधना में हैं उसमें फास्टिंग यानी उपवास का कितना महत्व है, और उपवास के दौरान क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पर्टिकुलर उपवास जब हम करते हैं तब, या अगर हम खासकर कोई एक प्रयोग कर रहे हैं उसमें उपवास का भी महत्व होता है क्या? दोस्तों, उपवास व्रत के अपने नियम हैं। आयुर्वेद का उपवास व्रत और ढंग का है, और साधना का व्रत उपवास और ढंग का है। व्रत सख्त नियम, और व्रत की बहुत सी विधियां हैं, बहुत से विधान हैं। कभी कभी व्रत में आज आपने 1 ग्रास खाया, कल 2 खाएंगे, फिर 3 खाएंगे, ऐसे 15 तक 12 तक ले गए, फिर उसको 1, 2, 3, 4, 5, 1 पे ले आए, तो उसको चांद्रायन
व्रत बोलते हैं, तो कठिन व्रत है। कहीं ऐसा व्रत कि आप सिर्फ पानी पी के जिएंगे। जैन लोग आपने देखा उपवास करते हैं तो पानी पे रहते हैं। बात है कि शरीर को डिसिप्लिन में लाना, शरीर को जो वो चाहता है वो नहीं देना, जो मन चाहता है वो नहीं देना, जो हम चाहते हैं वो करना। जो हम कह रहे हैं कि तू उपवास कर भी नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ, तो हमारा कितना कंट्रोल है शरीर के ऊपर, हमारा कितना कंट्रोल है मन के ऊपर, उपवास से पता चल जाता है। उपवास है छोटा कि आप थोड़ा थोड़ा खाते रहो। अगर मान लो पूरा मन नहीं मान रहा आपका, पूरा शरीर नहीं मान रहा, तो क्या करना, तो फिर छोटा कर लो। उसमें है कि जैसे आप जूस पी करके रहो, मुंह से मत चबाओ कुछ, लस्सी पियो, दूध पियो, कोई पीने वाले और पदार्थ ले लो। और कहीं कहीं चाय कॉफ़ी को भी दोस्तों मना करते हैं कुछ, पर चाय हम जन्म से ही पी रहे हैं, जो उनके लिए तो मैं कहूँगा कि ऐसा भी विधान दिया कि निर्णय सिंधु हमारा ग्रंथ है, निर्णय सिंधु हमारी सुप्रीम कोर्ट है हिंदू धर्म की, तो उसमें उन्होंने लिखा है प्रेग्नेंट औरत, बुजुर्ग, बच्चा और बीमार, तो उसके लिए नियम में बहुत ढील दी गई है कि मान लो आप कुछ खाते नहीं हैं और उपवास फास्ट आप कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जा कोई साधना कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, तो आपने कुछ खाया नहीं, आप तो लेटे हुए हो, बीमार हो गए हो, कमजोर हो गए हो, तो साधना कैसे करोगे। तो ये शरीर भी उस भगवान का है, शरीर के नियमों का पालन करते हुए आपका शरीर कहाँ तक सहन करता है, ताकि आपका मकसद साधना है, मकसद उपवास नहीं है आपका, तो साधना आपकी भंग ना हो जाए, साधना से आप कहीं इधर उधर ना चले जाएं, इस ढंग से आप फास्ट करें, व्रत करें, उपवास करें। जैसे नवरात्रि के उपवास के और नियम हैं, एकादशी के उपवास के और नियम हैं, हफ्ते में जो व्रत रखते हैं उनके और नियम हैं, चतुर्थी के व्रत के और नियम हैं, करवा चौथ के व्रत का और नियम है, शिवरात्रि के व्रत का और नियम है। तो हर व्रत के अपने नियम हैं। उपवास की बात है तो ऊपर वाले के साथ अगर हम वास कर रहे हैं स्वामी जी, तो वही एक बहुत बड़ा व्रत हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। एक सवाल और मैं यहाँ लेना चाहूँगी, ये लिखते हैं कि हमारे घर में सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं ये अपने दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वी आर मेकिंग ग्रेट मनी ऑल्सो। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही है कि हमारी कुछ भी सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, जैसे ही जितनी भी इनकम आती है कोई ना कोई बहुत बड़ा ख़र्चा हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसी में ही हमारा सारा पैसा जो है वो निकल जाता है, तो ये क्यों हो रहा है, प्लीज़ हेल्प अस, क्या कुछ बता सकते हैं। कभी कभी बेटे बहुत से कारण हो सकते हैं, कभी ग्रह कारण होंगे, खर्च ज़्यादा होंगे, प्लानिंग नहीं होगी अगर बहुत पैसा आ रहा है, कभी कभी वैसे ही कनुप्रिया कभी बरकत नहीं होती। तो आपके लिए जिनके साथ भी बरकत ऐसे नहीं होती, और जो लोग पूर्ण वेजिटेरियन रहने में दिक्कत होती है जिनको, उनके लिए श्री कुबेर भगवान का यंत्र वरदान है। कुबेर जी के यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके उसको विधि विधान से उसकी स्थापना करें, प्रतिदिन उसकी पूजा करें, उसके दर्शन करें, जिससे घर में बरकत शुरू हो जाएगी। अगर साथ में कहीं से आपको स्यार सिंगी या बिल्ली की जेर मिल जाए, बिल्ली की ओर मिल जाए, तो उससे और लाभ होगा। तो इसको रखने से 3 से 5 वीक में ही दोस्तों लाभ होने लगता है, इसको सभी लोग कर सकते हैं। और कुबेर यंत्र जी की साधना कठिन नहीं है, पर शिव भगवान की पूजा उसमें बहुत ज़रूरी है। आप शिव जी का ध्यान करें, जाप करें और कुबेर जी की साधना करें। कुबेर भगवान शंकर भगवान के खजाना मंत्री हैं, धन के मालिक वो हैं। शंकर भगवान भोले बादशाह थे, उन्होंने कहा मैं कहीं किसी को देने में लेट हो जाऊं तो कुबेर तेरी ड्यूटी है, देते रहना जो मांगे। तो जैसे आप मांगते हैं शंकर भगवान का नाम लेते हुए भी, तो वो देते हैं। छोटी सी साधना है, मुश्किल काम नहीं है, तो इसको सभी लोग कर सकते हैं। और भगवान करे, ईश्वर करे, माँ करे कि सभी के घरों में बरकत रहे, सभी के घरों में सुख रहे।
बिल्कुल, जहाँ आपने मांगा, और बहुत सुंदर बात आपने कही कि परमात्मा जो है वो कहते हैं कि कहीं देर ना हो जाए देने में, इसीलिए उन्होंने कुबेर जी को ये पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। स्वामी जी, जिस तरह की बातें समझ में आती हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम ही देवी देवता परिवार के हों, मतलब पूरा इस प्रोग्राम के जरिए ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे हम उनके साथ कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं। सही बात है। तंत्र शायद हमें इसी बात का एहसास कराता है, और जिस बात को लेकर हमने शुरू किया था इस पूरे सिलसिले को, कि इंसान में ही वो भटका हुआ देवता है, वो दिव्यता है, उसे तलाशने का प्रयास है तंत्र साधना। ये पूरी साधना जिस पर हम चल रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस तरह से हमारे साथ अपना कीमती वक्त निकालते हैं, इतना कुछ शेयर करते हैं। चलते चलते क्या कहें, तंत्र दोस्तों सिखाता है कि दुनिया में सबसे प्यार करना, किसी को व्यर्थ का नहीं सोचना, किसी को छोटा नहीं मानना। तंत्र ने सब में शक्ति की तलाश की, तंत्र ने सब में पॉजिटिव की तलाश की, तंत्र ने एक आम को खास बनाना चाहा। तो आप कोई भी आम नहीं है, सब खास हैं। तंत्र का मार्ग सुगम मार्ग है, सब सुखों को भोगते भोगते उस प्रभु तक जाना। और आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिनके लिए आप बिल्कुल विचलित हो जाते हैं, जिनके लिए कभी कभी इतना भटक जाते हैं कि आप अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, साधना का मार्ग, तंत्र का मार्ग आपको आपके सभी जो दुष्कर कार्यां हैं, बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, उनको आसान कर देता है। पर दोस्तों, थोड़ी सी साधना करनी होगी। हमें जो रेडीमेड की आदत पड़ गई है, फास्ट फूड की आदत पड़ गई है, थोड़ा सा निकलना होगा उससे। क्योंकि जब तक आप अपनी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपको वो शक्तियाँ नहीं मिलेंगी। आप कर रहे हैं, बस और करें, अच्छे ढंग से करें, और जैसी स्थिति में हैं वैसे आप बहुत अच्छे हैं। उसी को बढ़िया बनाना है, उसी को प्योरीफाई करना है। क्योंकि कुछ दूसरा सोचेंगे हो नहीं पाएगा, सोचेंगे हम जंगल में चले जाएं, नहीं जा पाएंगे। आप कांत में हो जाएं, नहीं हो पाएंगे। घर में रह करके, दो बेडरूम का घर है जहाँ 20 बेडरूम का घर है, बस मन को उसके साथ लगाना है। वो तंत्र आपको सच्चे रास्ते देता है, सहयोग देता है, और स्पिरिचुअल विद्या का सहयोग आपके लिए है, ये सेंटर आपके लिए है। और कनुप्रिया आज इतना अच्छा क्वेश्चन लेके आई, थोड़ा कठिन, पर कठिन नहीं दोस्तों। कोई भी जिज्ञासा हो आपकी, तो आपकी ईमेल का इंतजार करूंगा। कोई शंका रह गई हो इसके बारे में, तो बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ कनुप्रिया जी से और आपसे इजाजत लेता हूँ। कड़े संघर्ष के बाद भी नहीं मिलता है, कोई उसे चुटकियों में पा लेता है। कौन सा न्यूज़पेपर है? दैनिक भास्कर। कहीं इसका संबंध आपके पिछले जन्म से तो नहीं है? कौन सा साल लिखा हुआ है वहां पर देखिए, 1960।